शाहरुख खान की फिल्म जवान इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म को बनाने में 300 करोड़ का बजट लगा। जवान एक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एटली कुमार द्वारा किया जा रहा है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ अभिनेत्री नयनतारा लीड रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म से एक्ट्रेस नयनतारा बॉलीवुड में प्रवेश करने जा रही है। फिल्म में सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर को एक्टर्स के रूप में दिखाई देंगे। फिल्म से साउथ निर्देशन एटली कुमार भी हिंदी निर्देशन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये फिल्म बड़ी धमाकेदार एक्शन और एंटरटेनमेंट होगी। फिल्म में एक्ट्रेस दीपिका भी दमदार रोल में नजर आएंगी। फिल्म के निर्माता गौरी खान हैं। इस फिल्म का पहला गाना जिंदा बंदा रिलीज हो चुका है। इस फिल्म का ट्रेलर आते ही दर्शकों का दिल जीत लिया। ट्रेलर को देख कर दर्शकों में काफी उत्साह है। हत लगाने से पहले ये फिल्म की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो समाज में फैली गंदगी और बुराइयों को साफ करने की कोशिश में है। 300 करोड़ के बजट से बनी फिल्म जवान का एक गाना लोगों की जुबान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के गाने में काफी ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। इस फिल्म का गाना जिंदा बंदा के बनाने में 15 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो कि बेहद हैरान करने वाली बात है। जिंदा बंदा गाने में 1000 फीमेल डांसर्स को कास्ट किया गया है। अगर आप गाने को आपने देखा है तो आपको काफ़ी फीमेल डांसर्स दिख जाएंगे। YouTube पर जिंदा बंदा गाने को अब तक करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं। देखकर ये लग रहा है कि इस गाने में खर्च किए हुए पैसे YouTube से ही मिल जाएंगे। जवान फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म 7 सितंबर 2023 को सिनेमा घर में रिलीज की जाएगी। अब ये देखना है कि जवान फिल्म काफ़ी चर्चा में है, क्या ये अपने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसी न्यूज़ देखने के लिए देखते रहें हमारा चैनल A to Z लाइव खबरें।